एसएससी की बात से हम संतुष्ट नहीं है। एसएससी को हम जब जवाब मांगने गए थे तब हम बोल के आए थे कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है, हमें यह जवाब चाहिए और एसएससी से जवाब हम कोर्ट के माध्यम से लेंगे। सरकार से हम कहना कुछ नहीं चाहते, हम सरकार से भूख हड़ताल के द्वारा उनको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं और झुकेगी सरकार और हमारी जीत होगी। नक्सली वहाँ पर आते हैं, हमले कर जाते हैं, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन एक भी नक्सली वहाँ पर मरते नहीं है। और मैं सबसे पहले इधर छोड़ के पहले छत्तीसगढ़ के बारे में ये बोलना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमले होते हैं उसमें हमारे ही CRPF जवान, BSF जवान, SSB जवान, हमारे ही अर्धसैनिक बल, जिसमें हम लोग जाना चाहते हैं, 2 महीने से यहाँ धर धर की ठोकरें खा रहे हैं। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि वहाँ जो CRPF जवान जो ड्यूटी करती है, नक्सली वहाँ पर आते हैं, हमले कर जाते हैं और हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन एक भी नक्सली वहाँ पर मरते नहीं है। ये कितनी बार होती है, मैंने भी ये चीज़ देखा है। तो ये क्या प्लान है, क्या चीज़ है? कोई डायरेक्ट आके अगर मारे और कोई नक्सली अगर ना मारे, ऐसा हो नहीं सकता है। कुछ ना कुछ तो प्लानिंग बना हुआ है, कुछ ना कुछ तो बात है, जिसे कहा नहीं है। आते हैं नक्सली हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पर 50, कभी 100, कभी 150, कभी 20, कभी 10 हमारे अर्धसैनिक बल शहीद होते हैं। इसका मेन कारण क्या है? सबसे पहले मैं ये सरकार को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए कि क्यों ऐसे होती है। हर एक 6 महीने 2 महीने पर मुझे मिलने को सुनने को मिलती है, कभी श्रीनगर, कभी छत्तीसगढ़, कभी यहाँ, कभी वहाँ, जो नक्सली हमले होते हैं, ये होते क्यों हैं? डायरेक्ट बिना प्लान बनाए ये नक्सली हमले हो नहीं सकते हैं। तो मैं सरकार से इस बारे में ये विनती करना चाहूँगा कि सबसे पहले इसकी जाँच करे और ये देखे कि कैसे होता है, फिर आगे पर इस पर ध्यान दिया जाए ताकि ये हमेशा बार बार ये घटना ना हो हमारे इंडिया में। और हाँ, SSC की बात है, जहाँ तक हम शुरू से अभी 2 महीने से यहाँ लगे हुए हैं, हमेशा लगे हुए हैं, और अभी भी आज भी मैं संसद के पास, मंत्री के पास, बहुत सारे संसद के पास गए। आज मैं अपने क्षेत्र के सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू से मिला, उनको मैंने अपना मेमोरेंडम लेटर दिया, उन्होंने लिया, रिसीविंग में दिया। वो बोले कि ठीक, अभी संसद सत्र तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं आपको आज शाम या कल तक इसका एक, मैं खुद से अप्लीकेशन करके MHA में फॉरवर्डिंग करता हूँ आपका लेटर लगा के। एक आश्वासन मुझे मिला कि मैं आज या तो कल, मेरे अपने ही क्षेत्र के हैं वो। बहुत सारे के पास हुआ है, एक मैं यहाँ क्या नाम है, MP के भी एक सांसद के पास गई थी, माननीय सांसद महोदया, उनके पास गई थी तो उनका भी नंबर लिया गया। वो बोले कि ठीक है, मैं आपको 4-5 बजे कॉल करता हूँ, जैसे ही सांसद महोदया आती है तो मैं आपको कॉल करूँगा, तो फिर बताऊँगा। बहुत सारे गए हैं, कहानी बताएं, कहीं सांसद हैं कहीं नहीं है, तो कहीं कितने जगह से मुझे टाइम दिया गया है और मेरा नंबर लिया गया, बोले कि जैसे ही आते हैं तो मैं आपको कॉल करके बताऊँगा। और मैंने बहुत सारे जगह भी अभी तक दिया है लेटर, इसका बोला गया कि हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि 2 महीने से हम लोग यहाँ दर्द की ठोकर खा रहे हैं। हम भारत के नागरिक देख रहे हैं कि यहाँ हमारे इंडिया में हर एक जगह कितने शहादत हो रहे हैं, कितने जवान मर रहे हैं देश के लिए, फिर भी हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। क्यों? देश का जुनून है तभी तो। यहाँ पर मैन पावर का देखते हैं, वहाँ पर हम लोग का है कि अर्धसैनिक बल मैन पावर कम है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जाएँ, हम लोग सभी एकजुट होकर पूरे इंडिया को हम लोग इकट्ठे करके मेन पावर बढ़ाएं, ताकि बाद में हम लोग का नक्सली हमला भी ना हो। अगर नक्सली हमला हो तो हम लोग मुँह तोड़ जवाब दे किसी चीज़ का कि हम लोग को कुछ ये ना हो। ये बार बार जो ये होती है नक्सली हमला, जो हमारे शहीद मरते हैं, सो प्लीज़ इस बात पर ध्यान दिया जाए। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कितने छात्र छात्राएँ दर दर की ठोकरें भटक के खा रहे हैं, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, कितने का तबीयत खराब यहाँ हो चुका है। इस पर भी ज़रा ध्यान दिया जाए, ज़रा सोचा विचारा जाए। और ये मुझे अपील है और मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, अनुरोध है कि प्लीज़ हम लोगों को ज्वाइनिंग दे दीजिए प्लीज़ जी। सबसे पहले तो हम छत्तीसगढ़ में शहीद, छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में शहीद 22 CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। उसके बाद हम आगे का बात करना चाहते हैं। दरअसल हम सब तरफ गुहार लगा चुके हैं, हर वो नेता मंत्री जो भी होते हैं ना, सबके पास हम गए, लेकिन हमारा कोई नहीं सुना। अभी तक 2 महीना हो गया, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हम लास्ट में यही ऑप्शन चॉइस किए हैं कि हम भूख हड़ताल करेंगे। अब 10 अप्रैल से हम भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। जितने, अगर हम तो यही चाहते हैं कि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आने की कोशिश करें, अपने अपने घर से निकल के आएँ, क्योंकि अब ये लड़ाई एक साथ ही लड़ी जा सकती है और एक साथ लड़ेंगे तो शायद हम जीत भी जाएँ। सरकार से तो यही कहना चाहते हैं, शायद हमको ये नौबत आने ना दे, उससे पहले ही हमें ज्वाइनिंग लेटर दे के घर भेज दे, और कुछ नहीं चाहते सरकार। कैंडिडेट तो फिलहाल कम है, लेकिन फिर भी हम सबको कोशिश कर रहे हैं कि सबको अपने अपने ग्रुप के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि सब आ जाओ घर से निकल के। तो कुछ बंदे और आ रहे हैं अभी।
आपके चैनल के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी घर पे बैठ के ये ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग और दो ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग दो बोलते हैं, उनसे यही निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खुद उठकर सामने आएँ और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सामने आए। तमाम साथियों से, जैसे जीडी 2018 के कैंडिडेट से, हमारी विनती है कि वो प्लीज़ दिल्ली आए और हमें सपोर्ट करें। हमारी मुहिम बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हम भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। 10 अप्रैल से हमारा मुहिम शुरू होने जा रहा है भूख हड़ताल पर, जो भूख हड़ताल रामलीला मैदान में होगा। हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप आओ और हमें सपोर्ट करो अपनी इस लड़ाई में, अपनी लड़ाई, हमारी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई, माँ बाप के सपना को पूरा करने के लिए आप प्लीज़ सपोर्ट करो। आप दिल्ली आओ, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। वर्तमान में हम पिछले 2 महीने से दिल्ली की ऐसी कोई पार्लियामेंट मेंबर्स नहीं बचे, एमपी नहीं बचे जिनके यहाँ हमने नहीं गया। आज की डेट में भी हम कुछ अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से वहाँ मदद मांगने गए तो वहाँ से ठुकरा दिया गया, कोई मिलने को नहीं। वो सब ने यही हवाले दिया कि अभी ये संसद चल नहीं रही है तो सारे एमपी लोग अपने अपने घर गए हैं, अपने अपने क्षेत्र में गए हैं, सो आप लोग वेट करो संसद फिर से दोबारा रीओपन होने का। तो हम वेट तो नहीं कर सकते, हम खुद के बलबूते अपनी इकट्ठा कर रहे हैं पैसे और चाह रहे हैं कि हमारे जो भाई हैं वो भी हेल्प करें और यहाँ आए और हमें मदद करें। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे। हम कोशिश किए कि शायद उनके पीए मिले, उनसे उनके थ्रू हम उनसे बात हो सके, कोई तो सुनेंगे, ऐसा हमने कोशिश कर रहा। हम नर्वस है, हम कुछ करने को आतुर है, बस ये सोच रहे हैं कि हम कुछ भी करें, खाली बैठने से बेहतर है कि हम कुछ करें। हम हर रोज़ 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, इसलिए इस आस में चलते हैं कि कहीं से कोई रास्ता खुले, कोई दरवाज़ा खुले जहाँ से हमारी बात सुनी जाए। एसएससी की बात से हम संतुष्ट नहीं है। एसएससी को हम जब जवाब मांगने गए थे तब हम बोल के आए थे कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है, हमें यह जवाब चाहिए और एसएससी से जवाब हम कोर्ट के माध्यम से लेंगे। अब अपनी बलबूते हमने हर संभव कोर्ट केस किया है, हमने ऑलरेडी किया है, अब बाकी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से केस करने की, तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से भी केस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अनशन पे बैठने वाले हैं और अनशन पे बैठेंगे। जो है सरकार सुन नहीं रही है तो हम अपने भूख हड़ताल के द्वारा सुनवाने की कोशिश करेंगे और सुननी पड़ेगी। हम अपनी संख्या बल पर ध्यान दे रहे हैं, हम अपने सभी साथियों से अपील कर रहे हैं कि हम आए दिल्ली में और संख्या बल बढ़ाएं और भूख हड़ताल में हमारा साथ दें ताकि सरकार ये झुके। सरकार से हम कहना कुछ नहीं चाहते, हम सरकार से भूख हड़ताल के द्वारा उनको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं और झुकेगी सरकार और हमारी जीत होगी। सरकार जब हमारी बात नहीं मान रही तो सरकार को तो मानना ही पड़ेगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर सांसद से, एमएलए से, हर माने विधायक से, अपने हर ऑफिस से जा करके मिले हैं और मेमोरेंडम जमा किए हैं। सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनेगी तो हम लोग माने पीछा हटने वाला नहीं। जब तक सुनेगी नहीं, जब तक ले हमका हक नहीं देगा तब तक ले हम लोग हटने वाले नहीं हैं। सरकार से हम अपना कोई हक मांग रहे हैं, किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। जब तक सरकार हम लोगों के बात नहीं सुनेगी तब तक हम लोग पीछा नहीं हटने वाले हैं। ये सरकार के तो ये झूठी वादा है, हर जब भी इलेक्शन आता है ना तो ये क्या कहते हैं कि जो ऐसा ही झूठी वादे करते हैं कि हम आएंगे सत्ता में आपके क्षेत्र में तो हम 19 लाख रोज़गार देंगे, 70 लाख रोज़गार देंगे, लेकिन फिर क्या है, जो फिर सत्ता में आ जाते हैं तो फिर वही हाल होता है जो हम लोग का अभी हुआ है, हर स्टेट का वही हाल है।